सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो कैसी लग रही है अपनी द डार्क हीरो? अच्छी लग रही है ना? सो अपन जा रहे हैं अपने इसके व्हील कवर पे स्टिकरिंग करवाने। ये तो अपन पहले करवाने जा रहे थे लेकिन गाड़ी हो गई थी ख़राब। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, गाड़ी हो गई पूरी ख़राब। उसके बाद फिर इसको ठीक करा, बैटरी प्रॉब्लम थी। मैंने बताया आपको पिछले लास्ट व्लॉग में कि भाई क्या प्रॉब्लम थी इसमें, और जो मैकेनिक थे अलग अलग बता रहे थे भाई सेंसर प्रॉब्लम है या फिर जो सीडी है, मतलब कि जो इसका इग्निशन है ना उसमें प्रॉब्लम है, ईसीयू में प्रॉब्लम है, बट समझ में नहीं आया था क्या है। तो पहले अपन इसका हवा चेक करवा लेते प्रेशर, फिर निकलते फटाफट यहाँ से। और अपने साथ इग्नाइट विकास भी, इसने पूरी गाड़ी खोल दी थी अपनी और इसमें खुद ही जोड़ दी, पूरी खोल दी थी, ए टू जेड हेड वगैरह ये पूरे सब कुछ। तो देखो एकदम इंजन एक भी धूल माइक्रो कुछ भी रहने नहीं दिया इसने। तो फटाफट निकलते अपन यहाँ से। सो गाइस, निकल लिया अपन। और अपने क्या, जो मेरा ब्रेक पे मास्टर सिलेंडर था ना रियर वाला, वो फिर से मतलब कि लीक हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई किस वजह से हो रहा है। मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देखा, मुझसे तो हुआ नहीं। तो तनिष के पास भी जाना है मुझे, उसके पास RS 200 BS3 है, तो वो पूरी गाड़ी का खोल खाले से करता रहता है यार। यहाँ पर तो काम चल रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच देख के कैसा लगा? अभी अब पता नहीं व्लॉग कब आ रहा होगा, आप कब देख रहे होंगे मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन भाई बहुत ही मज़ा आ गया। और मैच से पहले जितने भी जो रहती है ना कि भाई ये करेंगे वो करेंगे पाकिस्तान वाले, सब की सब दरी की दरी रह जाती है। गाइस, मेरा नंबर प्लेट पीछे वाला बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, वो यार सिग्नल से पहले निकल जाऊँ मैं अच्छा हो काफ़ी। यस, निकल गया। मेरी नंबर प्लेट बैक वाली बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, ये पूरा एग्जॉस्ट की वजह से, क्योंकि जो फुट रखने का होता है फुट रेस्ट पीछे का, वो पूरा उससे जुड़ा हुआ है बैक से, तो वो पूरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि अपना एग्जॉस्ट हटा दूँ, तो आपकी क्या राय है आप बताना। और मेरा रीज़न सुनो हटाने का, मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि अभी दो दोस्त के चलान हुए हैं पूरे 5-7 हज़ार रुपये के, तो इस वजह से मैं हटाना चाहता हूँ। चालान से बार बार कौन बचे, क्योंकि एक ना एक दिन तो कटेगा ही, इसलिए कटेगा। देखो वो भी कटेगा, और इसलिए कटेगा क्योंकि जो तो दोस्तों की बाइक थी वो खड़ी खड़ी बाइक में काटी उन्होंने, बोले कि ये कौन सी बाइक है किसके नाम है, उनके तो लाइसेंस भी नहीं थे, तो लाइसेंस का तो काटा नहीं उन्होंने, एग्जॉस्ट का काट लिया भैया। तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि हटवा लूँ, आपकी क्या राय है आप बताना। लेकिन यार मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि एग्जॉस्ट ऐसे मतलब कि बैंड, ठीक है अपन रोड में चलाते हैं, अब जैसे कि सुपर बाइक कोई भी रहती है उनका तो ये चलान करते नहीं है, ये समझ में नहीं आता मेरे को। सुपर बाइक वगैरह इनका चलान करते नहीं है, वो सामने से निकलते हैं तब तो इनको कुछ करते नहीं, अब पता नहीं हमारे जैसे भाई क्यों। सो गाइस, बातें बहुत हो गई, फटाफट अपन शॉप पर पहुँचते हैं और काम करवाते हैं, क्योंकि यार ये काफ़ी दिनों से सोच रहा था पहले बाइक ख़राब होगी, फिर ये कुछ ना कुछ होते जा रहा है। और ये लोग अपना नवरात्रि के दिन शूट हो रहा है, तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। एक अपाची वाला भाई आ चुका है बिना हेलमेट के, ये ट्रिगर्ड हो गया है, बट अपन रेस नहीं लगाएंगे, अपन नॉर्मल चलाएंगे। लेकिन थोड़े बहुत रिएक्शन तो बनते ही है कि भाई
क्या करता है वो। गाइस मैंने विकास के 1000 थे जो उसमें थोड़ा सस्ती क्वालिटी का वो फ्लेशर लगा रखा था मॉक्सी का, तो मैंने उसको हटवा दिया। मैंने बोला कि भाई जो स्टॉक इंडिकेटर थे उसमें कनेक्ट कर ले, तो उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया तो वो काफ़ी बेटर लग रहे उससे, क्योंकि उसमें भाई सब कुछ होते हुए मतलब कितने भी 7-8 मोड है 16 मोड के नाम पर, उसमें एक नॉर्मल मोड नहीं है जो एक साथ इंडिकेटर जला सके, वो था ही नहीं। तो उसको हटा दे, बाद में फ्लेशर्स का लगवा लेंगे अपन। गाइस जिस एरिया में अपन चल रहे हैं वहाँ पर चलान के चांसेस बहुत ज़्यादा है, सो हमें केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर अभी एक दो दिन पहले दोस्त को लगभग हो ही गया था उसका चलान, बट वो कैसे निकला है कैसे बताएं अब आपको। ये अपन पहुँच गए श्री श्याम कार डेकोर एंड ट्रेडिया मार्ट। चढ़ा दो इधर, चेहरा तो पूरा हो गया है ख़राब अब, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज है, तो इसलिए अब क्या करें। मैं दिखाता हूँ अपनी बाइक पूरी हो चुकी है कंप्लीट, अपन ने पूरा काम करा लिया जो अपन कराना चाहते थे काफ़ी दिनों से, और जिसकी वजह से बाइक ख़राब हुई थी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या करा है यहाँ पर। सो गाइस सबसे पहले अपन ने जो इस पर जो अपनी एलॉय जो रिंग होती है इस पर अपने रेड पूरी करवा ली, एंड देन अपन ने जो अपने व्हील कवर है इस पर द डार्क हीरो लिखवा लिया। एंड अपन ने YouTube आईडी साइड में फेयरिंग पे एंड इंस्टा आईडी लिखवा ली, एंड फ्रंट में एक और एड अपन ने कर दिया इंस्टा आईडी। सो गाइस जो अपन ने ये काम कराया है मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से कराया है। तो अपना ये है श्री श्याम कार डेकोर रेडियम आर्ट, तो अगर आपको कराना है तो आप मतलब कि सही काम करके देते हैं एक नंबर, और संतोषजनक काम करते हैं मतलब कि जल्दीबाजी में नहीं करते, तो जो काम में परफेक्शन है वो आती है पूरी एकदम सही तरीके से। सो आप कुछ इसके सिनेमैटिक एंजॉय करो। सो गाइस आपको सिनेमैटिक कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राइड सेव करें एंड प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाएं जैसे कि मैं चलाता हूँ, और मैंने कहाँ काम कराया आपको बता देता हूँ। तो गाइस काफ़ी सही काम करते हैं, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा स्टिकरिंग का काम कराना हो या फिर हल्की फुल्की कोई भी मॉडिफिकेशन कराना हो तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मतलब कि संतोषजनक जो भी होता है ना पैशन मतलब कि एकदम सही से काम होता है, ये जल्दीबाजी में कुछ भी काम नहीं होता। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।